नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि भारत रत्न देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो कि देश के कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिया जाता है। दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 1954 में भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों यह पुरस्कार अभी तक केवल 50 लोगों को ही दिया गया है। और दोस्तों भारत रत्न जिस व्यक्ति को दिया जाता है उस व्यक्ति को बहुत सारी स्पेशल सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है तो उसको एयर इंडिया की फर्स्ट क्लास की यात्रा और इंडियन रेलवे की फर्स्ट क्लास की यात्रा बिल्कुल मुफ्त रहती है। दोस्तों भारत रत्न पुरस्कारित व्यक्ति को कैबिनेट रैंक के बराबर सुविधाएं दी जाती हैं। अगर उस व्यक्ति को जरूरत पड़े तो उसको जेट प्लस सिक्योरिटी की सुविधा भी दी जाती है। और दोस्तों उस व्यक्ति को VIP का दर्जा भी दिया जाता है। वह व्यक्ति कहीं भी जाए उसका इज्जत और सम्मान किया जाता है। और दोस्तों भारत रत्न पुरस्कारित व्यक्ति देश के अगर किसी राज्य में जाता है तो यात्रा के दौरान उस व्यक्ति को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्टेट गेस्ट की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों भारत रत्न पुरस्कारित व्यक्तियों में कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर जिनको क्रिकेट खेल में महारत हासिल करने के लिए भारत रत्न दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री जी जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया था। और दोस्तों मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी को भी भारत रत्न से पुरस्कारित किया गया था। तो दोस्तों आप लोगों को भारत रत्न पुरस्कार के बारे में यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।